Hello everyone, I'm your Sudesh ma'am. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की हिस्ट्री बुक आवर पास्ट का लेसन 3. लेसन नेम हमारा रूलिंग द कंट्री साइड. इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट होता है बच्चों स्थाई, सेटलमेंट होता है बंदोबस्त. जो स्थाई बंदोबस्त, ये भूमि सुधारों के बारे में है सारा ये चैप्टर. जो लैंड के बारे में जो जो उन्होंने नीतियाँ बनाई थी राजस्व वसूल करने के लिए, सारा जो चैप्टर है वही है. क्योंकि चैप्टर का नेम ही है रूलिंग द कंट्री साइड. कंट्री साइड होता है ग्रामीण क्षेत्र. तो ग्रामीण क्षेत्र की जो शासन प्रणाली थी, ग्रामीण क्षेत्र को, कंट्री साइड को उन्होंने कैसे हैंडल किया, वहाँ से कैसे राजस्व वसूल करते थे, इस बारे में है सारा. तो भूमि सुधारों में जो भूमि के बारे में उन्होंने नीतियाँ बनाई थी, उनमें था एक था परमानेंट सेटलमेंट, स्थाई बंदोबस्त. तो उसकी क्या क्या फीचर्स थी, क्या क्या विशेषताएँ थी. आंसर है द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. जो कंपनी थी उसने जो परमानेंट सेटलमेंट था ये कब इंट्रोड्यूस किया, 1793 में. और ये किसने किया था बच्चों, लॉर्ड कार्नवालिस ने. सेकंड पॉइंट है बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स. और ये जो सेटलमेंट थी इसकी टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो राजा थे, जो देशी राजा थे और जो तालुकदार थे, उनके उनको अब एज ए जमींदार रिकॉग्नाइज किया गया. मतलब उनको ये पहचान बना दी, उनको मान्यता दे दी गई कि अब वो जमींदार का काम करेंगे. दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी. उनको कहा गया कि वो पीजेंट्स मतलब किसानों से, फार्मर्स से वो टैक्स वसूल करेंगे और कंपनी को वो अदा करेंगे. फोर्थ पॉइंट है द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली दैट इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इवन इन फ्यूचर. जो अमाउंट थी टैक्सेस की, रेवेन्यू की, वो फिक्स कर दी गई और ये तय कर दिया गया. इसका मतलब ये था कि वो फ्यूचर में बढ़ाई नहीं जा सकती. तो कहने का मतलब ये है कि स्थाई कर दिया गया, जो टैक्स की जो की वो थी अमाउंट वो फिक्स कर दी गई. तो ये किसने लागू की, लॉर्ड कार्नवालिस ने. और ये कब लागू हुई, इन 1793. तो इसमें क्या क्या इसके टर्म्स, इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग जो राजा और तालुकदार थे उनके, उनको एज ए जमींदार मान्यता मिल गई. और उनको मतलब क्या था, वो टैक्स वसूल करेंगे पीजेंट से और कंपनी को वो अदा करेंगे. बाद में जो ये अमाउंट की थी ये एक टाइम फिक्स कर दी गई, भाई ये कभी भी घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ वॉज द मालवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट. अब एक नई जो दूसरी नीति थी वो क्या थी, मालवारी सिस्टम. ये साउथ में हुई थी स्टार्ट. तो ये परमानेंट सेटलमेंट था, जो स्थाई बंदोबस्त था उससे कैसे अलग था. तो बच्चों जो परमानेंट सेटलमेंट है वो आपको एज इट इज जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है वो सेम लिख देना है. अब हम मालवारी जो सिस्टम है वो करेंगे. पहले इसके आपने परमानेंट सेटलमेंट वाला पूरा लिखना है, मालवारी सिस्टम जो. और मैं ये बात बता देती हूँ, कई बच्चे ना पेपर में भी ऐसे लिखाते हैं कि सेम एज आंसर वन, ऐसे नहीं करके आना. आपको पहले परमानेंट सेटलमेंट करना है, फिर उसके बाद हेडिंग डाल के मालवारी सिस्टम है वो डिस्क्राइब करना है. तो जो होट मैकेंजी थे डिवाइस द न्यू सिस्टम इन 1822. अब जो होट मैकेंजी था उन्होंने एक नया सिस्टम 1822 में लागू किया. और जो परमानेंट सेटलमेंट था वो किसने किया था, लॉर्ड कार्नवालिस ने. इसमें क्या हुआ, कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड. अब जो कलेक्टर्स थे वो गांव से हर गांव में मतलब भेजे गए, किस लिए, इंस्पेक्टिंग द लैंड, ताकि वो जो लैंड है उसकी इंस्पेक्शन कर सकें, छानबीन कर सकें, मेजरिंग द फील्ड्स खेतों की नपाई कर सकें, एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप. और सारे रिकॉर्ड्स बना सकें, सारे मतलब अलग अलग ग्रुप बना सकें. वो जमीन की मेजरिंग करना और लैंड की इंस्पेक्शन करना ये उनका काम था. ये किसके थ्रू करा गया, कलेक्टर्स भेजे गए. द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रिवेन्यू एंड पेइंग इट टू कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन. अब ये जितना भी था रेवेन्यू था, जो राजस्व था वसूल करना, ये चार्ज किसको दे दिया गया, गांव के मुखिया को, हेडमैन को दे दिया गया. वो अब जनता से जो है टैक्सेस वसूल करेंगे और कंपनी को देंगे. और जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें किसको दिया गया, जो पुराने राजा थे और जमीन तालुकदार थे उनको, उसमें जमींदारी पर था. तो इसमें मुखिया के हाथों में आ गया, हेडमैन के हाथों में सारा.
रेवेन्यू वॉज नॉट फिक्स्ड बट कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। रेवेन्यू को अब जो राजस्व था उसको फिक्स नहीं किया गया क्योंकि कंपनी को अब बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत थी अपने एक्सपेंसेस मतलब अपने खर्चे पूरे करने के लिए ज़्यादा पैसे की जरूरत थी, इसलिए इसमें फिक्स नहीं किया गया। उसको टाइम टू टाइम बढ़ाया जा सकता था, घटाने की तो बात ही नहीं थी। गिव फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव फोर प्रॉब्लम्स विच अराउज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। अब जो तीसरा सिस्टम था भूमिगत, जो तीसरी नीति बनाई गई वो था मुनरो सिस्टम, तो उसके साथ क्या क्या चार प्रॉब्लम आई जो रेवेन्यू को लेकर, भूमि के राजस्व को लेकर जो तीसरी नीति थी मुनरो सिस्टम, उसमें क्या क्या नीतियाँ आई। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई रेवेन्यू डिमांड। अब जो इंक्रीज जो इनकम को बढ़ाने की उनकी इच्छा थी रेवेन्यू ऑफिशियल, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर थे फिक्स्ड टू हाई रेवेन्यू डिमांड। अब उनके जो राजस्व की वसूल थी वो काफ़ी हाई थी, मतलब काफ़ी जो टैक्स था वो बढ़ा दिया गया क्योंकि उनके जो एक्सपेंसेस थे वो ज़्यादा थे और उनको पूरा करने के लिए उन्होंने जनता पर भारी भरकम कर लगा दिए। सेकेंड, पीजेंट्स वर अनेबल टू पे रायोट्स फ्लैड द कंट्री साइड। और जो पीजेंट्स थे वो ये जो टैक्सेस थे इनको अनेबल रहे, मतलब उनको पे नहीं कर पाए, इसलिए रायट्स किसको कहते हैं बच्चों, जो काश्तकार होते हैं रैयत बोलते हैं, किसान जो भूमि इन किसान होता है जो दूसरों की खेती पर काम करता है या जिसकी छोटी मोटी ज़मीन होती है उसको रैयत बोलते हैं, इंग्लिश में रायट्स बोलते हैं। तो जो रैयत थे छोटे किसान थे वो बेचारे गाँव छोड़कर भाग गए। एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स, और जो डेजर्टेड होता है रेगिस्तान खाली हो गए और गाँव थे वो काफ़ी इलाकों में खाली हो गए, मतलब बिल्कुल सुनसान लगने लगे क्योंकि किसान वहाँ से छोड़ छोड़ कर भागने लगे, जितनी वो पैदावार करते थे उससे कहीं ज़्यादा उनको टैक्स पे करना पड़ता था, इसलिए अब उन्हें अच्छा लगा कि अब वो खेती ना करें, इससे अच्छा तो कहीं जाके वो मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे। थर्ड क्वेश्चन है, ऑप्टिमिस्ट ऑफिशियल्स हैड इमेजिन दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट्स इंटू सच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स बट दिस डिडंट हैपन। ऑप्टिमिस्ट होता आशावादी जो अफसर थे सरकारी अफसर, उन्होंने कल्पना की कि ये जो सिस्टम है ना ये किसानों को एक समृद्ध और एंटरप्राइजिंग होता है जो मेहनती उद्यमी मेहनती और रिच अमीर बना देगा, मतलब रिच किसान बना देगा और मेहनती भी बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो जितना उगाते थे उससे कहीं ज़्यादा तो उन्हें पे करना पड़ता था, इससे फिर वो उद्यमी तो हो सकते थे लेकिन रिच नहीं हो सकते थे। द न्यू मुनरो सिस्टम वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर पीजेंट्स, और ये जो नया मुनरो सिस्टम था ये किसानों के लिए तो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था, उनको तो कोई प्रॉफिट इससे होने वाला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर रायट्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। जो रायट्स थे रैयत थे, रिलक्टेंट होता है बच्चों मतलब कतराना, वो इंडिगो होता है नील की खेती करने से क्यों कतराते थे, क्यों इनकार किया उन्होंने। फर्स्ट पॉइंट है, इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स। फर्टाइल होता है उपजाऊ, जो नील की खेती थी सबसे पहले उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट थी कि उसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स की जमीन, वो केवल जो उपजाऊ जमीन थी उसी पे बोया जा सकता था। एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और ये ऐसा जो इलाका था जो हाईली फर्टाइल था वो पहले से ही पॉपुलेटेड था, वहाँ पर जनता रहती थी तो मतलब वो पॉपुलेटेड हो चुका था तो ज़मीन ही कम थी। सेकेंड है, जो प्लांटर्स थे नीडिड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। जो प्लांटर्स थे जो मालिक थे उन प्लांट्स के, नील के बागान थे उनके जो मालिक थे उसको प्लांटर्स बोलते हैं, उनको काफ़ी सारी मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में बड़ी बड़ी जो ज़मीन की जोत थी वो इंडिगो की खेती के लिए चाहिए थी, बड़े बड़े प्लांट चाहिए उसके लिए, बागान थे उनकी जो ज़मीन है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। थर्ड है, अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। और जितना बड़ा प्लांटेशन होगा जितने बड़े बागान होंगे उतने ही उनमें ज़्यादा हाथों की जरूरत होगी, हैंड्स यहाँ किसके लिए है, लेबर के लिए, मतलब उस सारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए उतने ही ज़्यादा लेबर की जरूरत थी और उतने ज़्यादा लेबर अवेलेबल नहीं थे। फोर्थ पॉइंट, इंडिगो कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड प्लोज एंड बुलॉक्स। और यदि एक बहुत बड़े पैमाने पर इंडिगो की खेती करनी है, नील की खेती करनी है, तो उसके लिए बड़े पैमाने पर हल और जो बैल हैं उनकी ज़रूरत थी और किसानों के पास ये सभी चीज़ें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वर द सर्कमस्टांसिस विच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। कोलैप्स होता है बच्चों नीचे गिरना, ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसिस थी जिन्होंने जो नील की प्रोडक्शन थी उसको एकदम से नीचे गिरा दिया, इवेंचुअल मतलब अचानक से वो जो प्रोडक्शन था धराशायी हो गया। रायट्स रेफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स। पहला पॉइंट तो ये था कि जो रायट्स रैयत थे उन्होंने
कोई भी मतलब जो बागान मालिक थे प्लांटर्स थे उनको रेंट पे करने से मना कर दिया, कोई भी अब वो लगान नहीं देंगे। सेकंड, दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स बोज एंड एरोज। उन्होंने जो इंडिगो फैक्ट्री के मालिक थे उनके ऊपर आर्म्ड होता है हथियारबंद होकर, जैसे तलवार बाले धनुष तीर कमान लेकर उनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। और जो गुमास्ता एजेंट्स थे, गुमास्ता एजेंट होते जो कंपनी का टैक्स वसूल करने के लिए आते थे, और प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप। जो रेंट इकट्ठा करने के लिए लगान वसूली के लिए आते थे उनको पीटा गया। रायट्स स्वोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिगो नोर बी बुलेड बाई प्लांटर्स। और राइट से स्वोर होता है कसम खाना उन्होंने।